शहीद थी, उनके अलावा तो किसी को मेरे ख्याल में मुआवजा अनाउंस नहीं किया गया, और वो मुआवजा भी पंजाब हुकूमत की किटी से जा रहा है, पंजाब हुकूमत के खर्चे। सवाल ये है कि आपका अपना मार्च है, पॉलिटिकल पार्टी का मार्च है इसमें, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये इस वक्त ना हुकूमत में है और देखा जाए तो पंजाब में भी इनका वजीर आ रहा है। सवाल ये है कि इस मार्च और इसके मजमूम मकासद के पीछे पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान की किसी भी इकाई की हुकूमत के पैसे जो हैं वो ये क्यों जो है दे रहे हैं? क्या इनके पास इतना माल नहीं है जो इन्होंने इधर उधर से जमा किया है कि एक शहीद सहाफी जो इनके गार्ड्स के धक्का लगने से वो टायरों के नीचे आई उस खूनी कंटेनर की, उसको ये अपनी जेब से मुआवजा अनाउंस करें? मैं सवाल करती हूँ कि क्या मुआवजा अनाउंस किया इन्होंने सदफ के लिए अपनी जेब से, या किसी पीटीआई के लीडर ने, या किसी एटीएम ने? वो जो आज बच्चा जो है जो इस कंटेनर की जद में आया है, या वो इनका अपना कारकुन जो दरख्त से लग के आज देखा है, जैसे कीड़े मकौड़ों की जिंदगी की इनके नजदीक ज्यादा वैल्यू है और इंसानों की जिंदगी की इनके नजदीक कोई वक़्त नहीं। हमारा सवाल यह है कि इस मार्च के खुरे किस मुल्क तक जाके मिलते हैं, उसका उसका पता लगाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो ये इलेक्शन की रट लगा रहे हैं, इलेक्शन सिर्फ जीटी रोड पर नहीं होना, इलेक्शन सिर्फ उन इलाकों में नहीं होना जहां आप चाहते हैं, इलेक्शन सिंध और बलूचिस्तान में भी होना है जहां लाखों लोग बेघर बेछत बैठे हैं। लिहाजा मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि आज इन्हें इलेक्शन की कोई तारीख दे भी जाए तो ये कल कोई और फितना लाकर सामने ना खड़ा कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़े मकसद को लेकर सामने चल रहे हैं और वो एक खतरनाक साजिश है। उस साजिश का जो है ताना बाना ना सिर्फ इस मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन से है, आपने पिछले चंद दहाइयों में देखा है दुनिया में जो तमाम मुल्क जो बदहाल हैं, जहां अंदरूनी खलफशार है, सिविल वॉर है, वहां सबसे पहला काम ये किया जाता है कि वहां की अफवाज और इदारों को जो है वो जो है उनको मफलूज कर दिया जाता है, उनमें और अवाम के बीच में खलीज जो है वो खड़ी कर दी जाती है। और आज यही काम जो है अफगानिस्तान, सीरिया, लबनान, इराक, आप नाम ले लें, यही काम जो है इमरान खान साहब पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे किसका, क्या वही लोग हैं जो पहले भी इन्हें दिल खोल के फंडिंग करते रहे हैं? लिहाजा ये इस वक्त एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को, और इंतशार के लिए चंद लोग ही बहुत है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। सवाल ये है कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, अगर चला जाए दो हफ्ते से, हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कभी मोदी के रमा, कभी किस पार्टी के रमा कर रहे हैं, सिर्फ उसका मुद्दा जो होता है वो इमरान खान का नाम हो चुका है। आप बताइएगा कि आपको तकरीबन 6 से 7 माह हुकूमत में हो गए हैं, सैलाब आया, क्या इकदाम किए हुकूमत ने, आवाम को क्या रिलीफ दिया, इस पर भी थोड़ी सी आवाम को बताएं, क्योंकि आप जब हुकूमत में तो आपके ये दावे थे कि हम हुकूमत को डिलीवर कर रहे हैं, यानी आवाम को डिलीवर करेंगे, तो बताइएगा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा इमरान का नाम आ चुकी है। देखें, इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा फितना ही इमरान खान है, और डेफिनेटली जब वो आते हैं रात को उनकी 2-3 तकरीरें होती हैं, उसका जवाब तो हुकूमत ने देना होता है, इत्यादी जमातों ने भी देना होता है। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब पे बात की, तो उसका जवाब तो मैं दूंगा, मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ, पार्टी के तर्जुमान जब बैठे हैं, अगर वो आपको मुतल्लिक कोई सवाल करे या कोई बात करे उसका जवाब देना हमारा हक बनता है। उससे पहले मैंने शुरू में बात की थी कि बेसिकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से हमें तकरीबन 70 अरब रुपये जो है वो फ्लड जो अफेक्टिज हैं 27 लाख फैमिलीज उसमें तकसीम कर रहे हैं, तकरीबन 97-98% जो है वो रकम तकसीम हो चुकी है और बाकी भी जो है बहुत जल्द तकसीम हो जाएगी। उसके अलावा देखें कि जब से ये हुकूमत आई है, फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, जो हमारे अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ जो ताल्लुकात ख़राब थे उसकी बहाली के लिए उन्होंने बड़ा काम किया और बहुत हद तक चीज़ें अपने बहाली की तरफ आ गई हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं, और इंशाल्लाह ताला चाइना से भी जो है वो काफ़ी, क्योंकि हम दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए, हम कोई खैरात या कशकोल उठा कर नहीं आए हैं, हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि आपने इस पूरी दुनिया के माहौल को आपने आलूदा किया है, आपने अगर इस माहौल को आलूदा किया है तो उसकी कीमत इस दुनिया को देनी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें खैरात में ये चीज़ दे दें, हम ये कह रहे हैं कि आपने पॉल्यूशन फैलाई है, इस पॉल्यूशन को साफ़ करने में आप लोग अपना किरदार अदा करें। और इसीलिए जो है मैं समझता हूँ कि जो हमारा टारगेट है, जो
40 अरब रुपए डॉलर जो है वो नुकसान हुए हैं, उसके ऊपर हम लगे हुए हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ डोनर इस पर रबते में है और इन शाला हम रिहेबिलिटेशन फेज में जा रहे हैं और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक घर जो है वो वापस आबाद नहीं होता। आपने देखा कि माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब सुवात ऑपरेशन हुआ था हमने आखिरी घर तक सुवात में जो है वो बहाली का ऑपरेशन जारी रखा और इंशाल्लाह सैलाब में भी हम इसी तरीके से काम करें। और दूसरी बात यह है